नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। पहले पिछड़े, अब दलितों पर दांव। जी हां, बीजेपी का दलित प्रतिनिधि सम्मेलन आज से शुरू हो गया। सबसे पहले बीएसपी के वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समाज का सम्मेलन हुआ। दलित वर्ग की प्रमुख जातियों के सम्मेलन 30 तारीख तक चलेंगे। मकसद है मिशन 2019 के मद्देनजर वोटों का गणित कोट दुरुस्त करना। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों और दलितों को साधे बगैर यूपी में सपा बसपा महागठबंधन से मुकाबला नहीं किया जा सकता, लिहाजा पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2014 लोकसभा चुनाव और 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत में दलितों का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी पार्टी को दलितों का साथ मिलेगा? क्या दलित प्रतिनिधि सम्मेलन करने से बात बन जाएगी? तो बीजेपी के दलित प्रतिनिधि सम्मेलन के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। जरा सुनिए। यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के साथ जो केवल 2019 में सरकार बनाने तक ही नहीं है, इसलिए सरकार 2019 में फिर बनाना है कि हमने जो आशा जगाई है, काम किए हैं दलितों के, गरीबों के, उस काम को करने के लिए नरेंद्र मोदी को एक अवसर और चाहिए। इस नाते मिशन के लिए साथी अभियान है, साथ में हम अभी जो लोक कल्याण के काम कर रहे हैं वो जमीन पर उतरे, इसमें इन कार्यकर्ताओं का अहम रोल है। वो उसे वाच करेंगे, देखेंगे, उसमें साथ एक सहयोग, एक प्रकार से सकारात्मक योगदान बना रहे, उसमें भी इनकी भूमिका कर रहे हैं। और उनको बेचैनी इसलिए है कि इतना बड़ा समाज दलित या पिछड़े क्यों जुड़ रहे हैं। हम सदा इस समाज के साथ हैं, वे केवल वोटों की गणित करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। पहले पिछड़ी जातियों का सम्मेलन करते रहे उनको लुभाने के लिए, मगर कुछ निकला नहीं। और दलितों का जहां तक सम्मेलन की बात है, तो दलित अत्याचार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरीके से बढ़े हैं, और दलित जिस तरीके से शोषित और ज़्यादा हुआ है, पीड़ित और ज़्यादा बढ़ते चले गए हैं, जिस तरीके से देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद दलित सांसद जिन्होंने विद्रोह किया, और हाल ही में अभी एक दलित विधायक भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद सीट से जिस तरीके से उनके साथ दुराचार उनके परिवार के साथ किया गया, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना केवल आम दलित, बल्कि जो उनके खुद के नेता हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो दलित समाज के खिलाफ ये सरकार सदैव रही है, दलित विरोधी ये लोग हैं। उना को कोई अभी भूला नहीं है, सहारनपुर भी अभी नहीं भूला है, अभी सारे जख्म जो है ताजे हैं। ये मूर्ति जिनकी बनाते हैं उनके रास्ते पर नहीं चलते, जिनका सम्मेलन करते हैं उनको सम्मान नहीं देते। ये केवल सत्ता में कैसे बने रहें उसके लिए इनको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर नफरत फैलानी पड़ती तो नफरत फैलाते हैं। तो ये नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं। ये किसी को सम्मान दे करके, बराबरी दे करके, साथ में लेकर के न चलने वाले लोग हैं। अब इनको लग रहा है कि अब ये सरकार से बाहर जा रहे हैं 2019 में, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का क्या दिवालियापन नहीं मानेंगे कि लगभग 2 साल की सरकार में कोई भी राजधानी में ऐसा काम, ऐसा भवन नहीं बना पाए कि श्रद्धेय अटल जी के नाम पर वो काम दे सकें। श्रद्धेय अटल जी का नाम देने के लिए भी माननीय अखिलेश यादव जी के ही काम उनके काम आ रहे हैं। तो दलित वोट बैंक का गणित क्या है जरा समझिए। यूपी में लगभग 24% दलित वोट बैंक, जिसमें 12 से 14% वोट जादव बिरादरी के हैं। यह है दलित वोटों का गणित। 12 से 14% की बात करें खटिक, पासवान, कोरी, खैरवार और बाल्मीकि समाज के। दलितों में 60 अति दलित जातियां हैं। तो ये जो जातियों का जो गणित है, इन्हीं को साधने की कोशिश, दलितों में सबसे ज्यादा तादाद या सबसे ज्यादा संख्या की बात करें तो जाटवों की है। जाटवों के बाद पासी दूसरे नंबर पर हैं। तो दूसरे नंबर पर पासी हैं जाटवों के बाद। वहीं बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है जाडव। लेकिन अब क्यों आखिर ये खिसका, इस पर भी बात करेंगे। बीजेपी की नजर गैर जाडव वोट बैंक पर है, जिसको साधने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। तो यूपी में 24% दलित
वोट बैंक है लगभग लगभग। तो ये जो जातियों का जो गणित है इसको साधने की लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। तो सवाल यही है, बीजेपी को पता है कि पिछड़ों और दलितों के साधे बगैर यूपी में सपा और बसपा का महागठबंधन से मुकाबला नहीं किया जा सकता, लिहाजा कोई भी पार्टी हो कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत में दलितों का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार भी पार्टी को दलितों का साथ मिलेगा, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। 2014 में स्थितियां कुछ और थीं, 2017 में कुछ और थीं, और 2019 के लिए हालात बदल चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें बीजेपी का दलित प्रतिनिधि सम्मेलन जो आज से शुरू हो गया। सबसे पहले बीएसपी के वोट बैंक माने जाने वाले जाडव समाज का सम्मेलन हुआ, दलित वर्ग की प्रमुख जातियों के सम्मेलन 30 तारीख तक चलेंगे। मकसद साफ है, मिशन 2019 के मद्देनजर वोटों के गणित को ठीक करना, या यूं कहें कि वोटों के गणित को दुरुस्त करना। तो पहले ओबीसी और अब दलित सम्मेलन, इन सब सम्मेलनों को करके आखिर बीजेपी हासिल क्या करना चाहती है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आए हुए मेहमानों से बड़ी बहस में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से रामचंद कनौजिया जी हमारे साथ हैं। रामचंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। संघ विचारक अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दलित चिंतक प्रोफेसर रवि कांत जी हमारे साथ हैं। रवि जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लाइव टुडे के न्यूज रूम से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ हैं। रजा रिजवी साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मेरा पहला सवाल बीजेपी से है। सर, पहले पिछड़े और अब दलितों पर दांव, बीजेपी का जो दलित प्रतिनिधि सम्मेलन है आज से शुरू हुआ, इस सम्मेलन के जरिए मैं अभी खुद भी बहुत कंफ्यूज हूं सर, कि आखिर बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए क्या जताना चाहती है, या यूं कहें कि क्या संदेशा देना चाहती है। सर जरा हमें भी और हमारे दर्शकों को भी बताइए सर जी। रामचंद जी, भारतीय जनता पार्टी ये जो सामाजिक बैठक है, एक संगठनात्मक सिस्टम होता है कि चुनाव में जाने से पहले अपने लोगों को उस विषय पर और उस विषय को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री हूं, तो जो अपने समाज के लोग हैं, प्रायः आपने देखा होगा कि गांव में जब कोई ऐसा संकट या कोई ऐसी बात आती है तो हम लोग अपनी बिरादरी की, अपने समाज की एक बैठक बुलाते हैं। उस बैठक के माध्यम से जो समस्याएं होती हैं तो हम स्वतः निपटा लेते हैं। अब जब एक किसी जमाने में कांग्रेस, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी, तो एक विचारधारा जो कांग्रेस ने जो पैदा की, कांग्रेस ने जो इन दलितों के साथ और हिंदू समाज के साथ जो किया, तो एक जो दलित समाज था वो अपना नेतृत्व विहीन आज तक मानता चलाया। और जब सब चीजें, सवाल ये कि चुनाव के पहले क्यों सारी चीजें ध्यान आ रही हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा। मैं अशोक जी के पास आ रहा हूं। अशोक जी, आप के नजरिए से अगर मैं बात करूं, अशोक सिंह जी संघ प्रचारक के नजरिए से इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, संघ में जो व्यवस्था है वो हम जातीय उस पे नहीं होता, किसी की टाइटल और वो नहीं बोलते, सबको बराबर का अधिकार है, और वर्ण व्यवस्था सबके बराबर के अधिकार के लिए काम करती है। कभी कोई एक ही पंगत में, चाहे वो ड्राइवर का कार्य करता हो, चाहे बड़ा अधिकारी, सब एक संग बैठ के भोजन करते हैं। और सामाजिक समरसता का विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण संघ के पास है। अब इसके अनुसांगिक संगठन, राजनीतिक संगठन है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रक्रिया करते हैं, अपना आंदोलन करते हैं, अपनी सफलता के लिए कामना करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में जो बहुत पहले से व्यवस्था चली आ रही है वो जातिगत व्यवस्था चली आ रही है 800 सालों से, तो उस जातिगत व्यवस्था में जो पहचान है वो जातिगत है, इसलिए सभी को बुलाना
और उनको राष्ट्रधारा में जुड़ने के लिए प्रेरणा देना, सबको एक संग जोड़ना और एक दूसरे के विचारों को जानना, एक दूसरे के विचारों को जोड़ना और सबका समन्वय और साथ लेके चलना, ये ऐसा होना चाहिए। और ऐसी राजनीतिक पार्टियां अगर कर रही हैं, सभी को करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने कि सबको एक साथ लेकर चलना और एक साथ जोड़ना। प्रोफेसर रवि साहब, सवाल ये कि जैसा कि अशोक जी ने भी कहा कि सबको एक साथ लेकर चलना, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सब पिछड़ों को लेकर के और सिर्फ दलितों को ही जोड़ा जाएगा क्या? सवर्ण भी तो फिर नाराज हो जाएंगे सर। देखिए आलोक जी, पहली बात तो ये है कि माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का ये सरासर उल्लंघन है। उसने जातिगत सम्मेलन करने की मनाही की है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो अपना अलग चाल चरित्र चेहरा जो दिखाती थी वो बेनकाब हो चुकी है। ये विशुद्ध रूप से जातिवादी पार्टी है। और दूसरी बात, मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये जो सम्मेलन हो रहे हैं अभी चलेंगे, जब तक चुनाव है चलेंगे, इनके पीछे जो खर्चा होता है वो कहाँ से आता है? उसके दो सोर्स हमें सीधे देखते हैं कि एक तो नोटबंदी में जो पैसा पार्टी के पास आया, गरीबों की हत्या करके, गरीबों को लाइन में लगा करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धन कमाया है, और उसके उदाहरण गुजरात में अमित शाह के बेटे से लेकर के तमाम मौजूद हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, जो पूंजीपति हैं, जिन्होंने एनपीए इतना बढ़ा दिया है, कुछ तो देश के बाहर भाग गए हैं, कुछ अभी यहीं हैं। इस देश का प्रधानमंत्री दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक निजी कंपनी का जियो जाकर के लॉन्च करता है, ये बेहद शर्म की बात है। तो उन तमाम पूंजीपतियों के द्वारा जो धन आ रहा है उसका ये दुरुपयोग हो रहा है। और तीसरी बात, आप जो दलितों को लुभाने की बात कर रहे हैं, दलित संभल गया है। 2014 के चुनाव में आपने जो 15 लाख देने का वादा किया था, आपने दलितों को रोजगार देने का जो वादा किया था, उनकी सुरक्षा का जो वादा किया था, उनके आरक्षण पर आपने आते ही हमला कर दिया। चलिए, उस पर भी हम बात करेंगे रवि जी, उन सारी तमाम सारी चीजों को लेकर के, आखिर दलितों को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है, किन बातों को लेकर के है। मैं वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी के पास लाइव टुडे के न्यूज रूम चल रहा हूं। रिजवी साहब, आपने राजनीतिक दलों की बात भी सुनी, प्रोफेसर रवि कांत जी की भी बात सुनी, इस सम्मेलन को जो बीजेपी ने बुलाया है, सवाल ये है कि ये दलितों की भलाई के लिए बुलाया गया सम्मेलन है या फिर वोट बैंक के लिए? जरा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर। देखिए, ऐसा है, जब भी कोई चुनाव करीब आता है तो हर पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, जितनी भी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब चुनाव करीब आता है तो ये अपने वोट सजोने के लिए इस तरीके के सम्मेलन हर पार्टियां करती हैं कि वो वोट बैंक हमारे तरफ रहे, हमारे जो विचार हैं, जो हमारी योजनाएँ हैं, वो हम बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना ये है, कांग्रेस की योजना ये है, सपा की योजना ये है, बसपा की योजना ये है। हर योजनाओं को बता करके उन वर्ग के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक ये कार्य होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बम्बई हाईकोर्ट ने अभी एक दलित शब्द पर उसने इतरा मुकदमा किया था, तो उसने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ये पूछा भी है कि साहब दलित शब्द इस्तेमाल किया जाए कि ना किया जाए। पहले हरिजन कहा जाता था, तो हरिजन शब्द हट गया, उसके बाद दलित आया। तो अभी एक तरह एतराज है जरा से दलित शब्द पर, इस पर प्रेस काउंसिल से पूछा गया है, तो प्रेस काउंसिल इस पर डायरेक्शन अपनी मीटिंग में दे रहा है, बताएगा कि इसका इस्तेमाल हो कि ना हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेन स्ट्रीम में लोगों को आना चाहिए। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग बना दिया गया, अब अल्पसंख्यक वर्ग जो इससे पहले की सरकारें थी, उन्होंने जब अल्पसंख्यक वर्ग बना करके एक पॉकेट अलग कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आज भी अल्पसंख्यकों को कोई विकास नहीं हुआ। चाहे वो अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम बना हो, उससे लोन लेने की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों को नौकरी की बात हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग, मैं तो कहता हूँ अल्पसंख्यकवाद अल्पसंख्यक वर्ग समाप्त होना चाहिए, एक मेन स्ट्रीम में आकर के उनका विकास होना चाहिए। ये सब चुनाव के समय सब राजनीतिक पार्टियां अपना वोट सहेजने के लिए ऐसे सम्मेलन अभी 2019 तक करते रहेंगे। रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे। रवि जी, जो सवाल उठ रहे हैं कि वाकई में चुनाव के पहले, ये सवाल मैंने भी उठाया था कि चुनाव के पहले ये सब चीजें, और उस पर भी कोर्ट के आदेश की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही, भले ही एक बचने के लिए बीजेपी या सरकार नाम दे दे कि सामाजिक समरसता का इससे नाम दे रही है। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आनुषंगिक संगठन है वो तीन स्तर पर काम हो रहे हैं। एक तो इस तरह के जो सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं, जो सरासर न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरे स्तर पर जो हमारे मित्र बगल में बैठे हुए हैं, संघ
राम के मंदिर को लेकर के काम कर रहा है, तो राम जी बेड़ा कार पार करने के लिए आए थे, अब उनको बुला दिया है। लेकिन दरअसल जो तीसरा नहीं बुलाया है, किसी ने बुलाया नहीं है सर, 24 तारीख को, 24 नवंबर को बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी बुला रही, आरएसएस भी बुला रही, बीजेपी भी पहुंच रही, शिवसेना भी पहुंच रहे हैं सर। राम में कोई आस्था नहीं है जी, इनकी दाम में आस्था है जी, और राम के नाम पर सत्ता हथियाना ये इनका काम है जी। तो ये जो हो रहा है, और तीसरे स्तर पर जो बीजेपी की आईटी सेल कर रही है कि दलितों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रही है, आप तमाम वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो दरअसल ये जो दलितों के सम्मेलन हो रहे हैं, सम्मेलन उसके लिए नहीं हो रहे कि हम आपको ये आपकी भलाई करने वाले हैं। वहां पर जिस तरह की कथाएं सुनाई जाती हैं, मैं एक नहीं 50 कथाएं आपको सुना सकता जी। चलिए, मैं सवालों के खिलाफ उन्हें ठीक है, ठीक है, मैं सवालों का जवाब लूंगा, मैं रामचंद्र कनौजिया जी के पास आऊंगा, बहुत जिम्मेदारी को लेकर के सवाल। सर, जो आंकड़े हैं, जो खबरें हैं, वो बहुत बीजेपी के खिलाफ है, दलितों की नाराजगी साफ तौर पर, चाहे वो महाराष्ट्र के उरीगांव वाला मामला ले लें, ऊना का मामला ले लें, सहारनपुर का ले लें, रोहित वमिला का मामला ले लें, इन सब मामलों को लेकर के दलितों की नाराजगी, खास करके खबरें ये भी हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न हुए हैं, ये रिपोर्ट भी कही जा रही है, और जिसमें यूपी सबसे आगे है। सर, कैसे दूर करेंगे ये नाराजगी? सर, बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है। कोई भी नाराजगी इस तरह की नहीं है। जो एक दलित समाज है और मुस्लिम समाज, दो समाज ऐसे समाज है जिनको आसानी से बरगलाया जाता है, उल्टा समझाया जाता है। तो क्या ये माना जाए कि जो अभी आज से शुरुआत हुई है ये इसीलिए हुई है, ये भी बरगलाया जा रहा है? देखिए, मैं दलित समाज से आता हूँ, हमने अभी पहले भी कहा था, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सर, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जी जी, मैंने कहा कि मुझे बड़े लंबे समय से मुझे जो नेतृत्व नहीं मिला था, दलित समाज को एक नरेंद्र मोदी भाई के रूप में एक बड़ा नेतृत्व मिला है मुझे, और मैं जब दलितों के बीच में जाता हूँ, उनके बीच में जब बैठता हूँ, तो वो जब बताते हैं कि आज हमको लगता है कि कोई सरकार है जिसने मेरा ख्याल किया है, मेरी चिंता की है, मेरे घर में अंदर जो अंधेरा पड़ा था अगर उजाला देने का अगर किसी ने काम किया, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में मेरे बिजली, 50 साल हो गए लोग दलितों के घर में बिजली का बल्ब नहीं देखा कैसा होता है। मित्र, दूसरा क्या है, किसी के घर जो फूस के बने हुआ करते थे, उसके घर में वो जो पक्के मकान बना दिए गए, अब ये तकलीफ इन सबको इस तरह होगी, यहाँ पर बैठ करके झूठे और इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करके समाज को ऐसे ही जो अब तक होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रवि जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं इस क्रॉस क्वेश्चन आपसे करा, क्योंकि रामचंद्र जी ने खुद भी कहा कि वो एक दलित हैं, और वो केंद्र की सरकार से जो उनकी नीतियां हैं और तमाम सारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के उन्होंने एक पॉजिटिव दिखाई, सकारात्मक बात कही है, लेकिन और दलित, आप भी दलित चिंतक हैं, दलितों के हितों की बात करते हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, तो फिर इतनी आखिर विरोधाभास क्यों है सर, किस बात को लेकर के? माना कि बहुत जो वादे नहीं पूरे करे गए, लेकिन कोशिश तो की गई, आपको इस बात की तो सराहना की जानी चाहिए सर। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के रूप में दलितों को एक नेतृत्वकर्ता मिला है जी, मैं दो ही उदाहरण दे रहा हूं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ये एक शर्मनाक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि मल उठाने में दार्शनिक वो आनंद मिलता है, आप काहे नहीं उठाते हैं, दार्शनिक आनंद मिलता है। तो नंबर दो, इसी लखनऊ का मैं दे रहा हूं, लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय में जब वो आते हैं और ऊना की घटना से लेकर के तमाम घटनाएं हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। ये दुर्भाग्य है, इस देश का एक ऐसा कायर प्रधानमंत्री मिला हुआ है जो कहता है कि मुझे गोली मार दो, ये सीधे सीधे इशारा था कि ये अब लाठी डंडा नहीं, गोली मार दो। और वही हुआ है कि इस देश में जो आपने जिक्र किया, भीमा कोरे गांव से लेकर के सहारनपुर होते हुए तमाम नौजवानों की हत्याएं हुई हैं, और जो SC ST एक्ट के खिलाफ जो विद्रोह जो हुआ था, जो दलित नौजवान सड़क पर आया था, आपने देखा होगा कि तमाम दलितों को गोलियां मार दी गई थी और उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हुई थी। और हालत यह है कि कुछ उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें सकारात्मक हुई हैं, अगर दलितों के हितों के भी SC ST एक्ट को लेकर सरकार ने लगातार बहुत सारी चीजें भी तो सामने आनी चाहिए। ये कुछ उदाहरण हो सकते हैं जी।
जी अशोक जी, झूठे आरोप है इसके अंदर। अशोक जी इस तरह के बयान देना कि कायर प्रधानमंत्री, पूरा विश्व जान रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री अब तक भारत में नहीं मिला, पूरे विश्व में छवि है। आप सुन रहे, पहले सुन ले, आपका जवाब मैं दे रहा हूं, आप बोलेंगे और इस तरह की छवि, उस पर कोई बात छुपी नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। रही बात कल्याणकारी योजनाओं को देने की, तो मैं पूर्णतः इससे सहमत हूं, कल्याणकारी योजनाएं दी गई और वो लोगों तक पहुंची। जो पहले पैसा नीचे तक नहीं पहुंचता था वो सीधे उनके खातों में पहुंचा। जो आजकल जो देश में लोग फैला रहे हैं कि ये दुराचार हो रहा है, कुछ नहीं मिला, ये सब इसलिए फैला रहे हैं कि देश में भ्रांति फैलाना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और देश को गलत रास्ते ले जाना चाहते हैं। बस इतने क्या जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं रजा रिजवी जी, अगर बात करें तो बीएसपी के वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समाज का जो सम्मेलन हुआ पहले, फिर दलित वर्ग की प्रमुख जातियों के सम्मेलन 30 तारीख तक चलेंगे, मकसद है मिशन 2019 के मद्देनजर वोटों के गणित को दुरुस्त करना, इस सम्मेलन के जरिए कह सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वोटों की गणित को साधना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों का गुणा भाग बहुत हर पार्टियां रखती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों का गुणा भाग बहुत पहले से शुरू कर देती है। अगर 2019 का चुनाव है तो वो हर चुनाव को चुनौती मान के उसमें कूदते हैं। और इनके कई ऐसे संगठन हैं जो ज़मीनी धरातल पर बहुत हकीकत से, बहुत मजबूती से काम करते हैं, और मैं देखता हूँ और जो पार्टियाँ हैं उनके पास कोई ऐसा बहुत अच्छा संगठन नहीं है कि जो ज़मीनी हकीकत पर गाँव जा कर के काम कर सके। यही बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो दलित का सम्मेलन करा, आप देखिए जो ST-ST एक्ट लाया गया वो, और यही ST-ST एक्ट लाने के बाद ही लोगों में जो हमारे और हिंदू भाई, उनको मैं ये अनुरोध है कि भाई राम मंदिर के लिए आप बात कर रहे थे तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं आप ऑर्डिनेंस लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत समाज में बात आती है कि भाई दलित जो है वो ST-ST एक्ट तो आप ले आए, दलितों के सम्मान के लिए आपने उनका सम्मान किया और उसको लाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले पे रिव्यू हो सकता था, सरकार रिव्यू के लिए जाती, सरकार के और भी लोग भी जा सकते थे रिव्यू के लिए, लेकिन सरकार ऑर्डिनेंस ला करके सरकार ने बताया कि हम दलितों के सम्मान के लिए, उनकी उनकी रक्षा के लिए, उनकी सरकार ने ये संदेश दिया कि दलितों के सम्मान को लेकर के। रामचंद्र जी, बीजेपी को पता है कि पिछड़ों और दलितों को साधे बगैर यूपी में सपा बसपा महागठबंधन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, और इसी बात को लेकर के वो करीब करीब आगे बढ़ रही है इसी ट्रैक पर। सर मुझे तो सीधी सी बात समझ में आती है, मैं विकास की, इस देश के विकास की बात करता हूँ, विकास के लिए काम करता हूँ। आज जितने हमारे दलित भाई इस सम्मेलन में आए थे, जितने अनुसूचित जाति के लोग आए थे, हमने तो एक एक समय, धोबी समाज से हूँ और जो है वहाँ आप बता रहे हैं जाटो कमेटी का सम्मेलन था, जाटो समाज का था, मैंने एक तो वो मैंने उसका प्रतिशत भी कहा ना, लगभग 25% के आसपास है, तो वो सारा वोट बैंक अपने पाले में आएगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने एक एक से बात की, लोगों से पूछा कि भाई आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके गांव के अंदर किसको मुफ्त में चूल्हा मिला, किसको मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला, किस किसको मुफ्त में बिजली मिली, कितने में लिया सिलेंडर, ये भी पूछा सर। सर मैंने पूछा और सबने बताया, और जो रह गया है जी उसकी एक सूची बना कर लाओ जी, और हम चल करके इस व्यवस्थाओं को, इन चीजों को उन तक पहुंचाना है जी। तो ये रामचंद्र जी इतना सब बता रहे, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए लगे हाथों, जो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन आ गया इसलिए ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है सर, मैंने कह रहा हूं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कल्याणकारी विपक्ष सवाल उठा रहा है, गरीबों तक कैसे पहुंचे इसकी मुझे चिंता, ये मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का बयान भी मैंने सुनवाया, उन्होंने ही लगातार चुनाव को लेकर के जोड़ा और उनका ही साफ तौर पर यह भी कहना था कि उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जीत हुई, उन्हीं ने अंबेडकर को इतना सम्मान दिलाया, कांग्रेस के समझ में नहीं, और जो भारत रत्न मिला वो भी अटल सरकार ने दिलाया, ये सब राजनीति से और चुनाव से आप भी लोग जोड़ रहे हैं। मेरा सवाल जो है यही है कि लगे हाथों आप रामचंद्र जी इतना ही बता दीजिए, जो आपने तमाम सारी विकास की योजनाओं को बताया कि 2019 का चुनाव क्या विकास के दम पर या फिर हिंदुत्व को लेकर के या जातीय समीकरण साधने से होगा सर, या विकास मुद्दा होगा सर? मेरा हिंदुत्व का भी, अगली सरकारों ने जिस तरह हिंदुओं को रौंदा है, जिस तरह अपमानित किया है, मैं फिर एक बार कहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में एक हिंदू समाज को जो नेतृत्व प्रदान किया है, जो नेतृत्व मिला है, उससे आज हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं और हमको उस ओर चलना है, आगे बढ़ना है, और हम
इस विकास को भी आज साथ साथ, साथ लेकर के चलेंगे। आज जो हमने सम्मेलन बुलाया, आज जो हमने बैठक, चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि रवि जी तो क्या फिर सम्मेलनों के जरिए ठीक है, पूरी करिए आप। ये जो बैठक हमने की जी, सिर्फ एक बात थी कि किस हमारे उस समाज तक ये जो अंत्योदय की योजनाएं हैं उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची तो हम सब मिलकर को उन तक पहुंचाने का काम करने का आज ये जो बैठक की है जी, इसी उद्देश्य। प्रोफेसर रवि साहब, मैं आपसे कमेंट, अगर विकास की बात करती जो योजनाएं हैं वो आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेलियर है जो आपको एक सम्मेलन बुलाना पड़ रहा है बड़े पैमाने पर। आप ही ने कहा सर इस सवाल का, आप ही ने तो कहा भी जो योजना था क्या कहा जी जी, लोग बच गए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जी। ऐसा नहीं है कि शत प्रतिशत सबको जो है इसका लाभ मिल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं अधिकारी हमारे जो इस पर काम नहीं करना चाहते हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं, घर मेहनत नहीं करना चाहते, धूप में बरसात में मेहनत कराइए ना, बिल्कुल उठा पा रहे हैं हम लोग, तभी तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। मैं भी दलित दलितों के लिए तमाम सारी योजनाएं उनका हक उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, तभी तो दलित में नाराजगी है दलितों ने लेकर। मैं स्वयं जाऊंगा, वो मैं जाता हूं, प्रवास करता हूं, रहता हूं। प्रोफेसर रवि साहब जल्दी से मुझे एक ब्रेक लेना है, जल्दी से आपका कमेंट। रामचंद्र जी अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दलितों के नेता है कि हिंदुत्व के नेता है, थोड़ी देर बाद वो कहने लगेंगे कि इस देश के नेता है। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि जनधन योजना से लेकर, अरे सारे खाते जो आपने खुलवाए थे चमन्नी नहीं बची है उसमें, जो हजार दो हजार रुपए उन गरीब लोगों ने जमा कर रखे थे वो भी चला गया उनका। तो 112 रुपए हर व्यक्ति का, हमारे जैसे लोगों का भी कटता था इंश्योरेंस के नाम पर, वो भी सब डूब गया। और आपके प्रधानमंत्री के तमाम दोस्त लेके कोई इंग्लैंड भाग गया, कोई दूसरी जगह भाग गया है, उनको कब बुलाएंगे? इससे ज्यादा करप्शन इस पूरे देश में कभी नहीं हुआ। रफेल पर जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सहारे झूठ, ये देश चलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि जुमला था 15 लाख वाला देश नहीं है, ऑन कैमरा कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं, जनता के दुख दर्द को समझेंगे नहीं। ये जो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये जो नेता बनते हैं अपने आप को समाज के, इन्हीं को कांचीराम साहब पहले कह रहे थे कि ये चमचे हैं दलित समाज में, कुछ चमचे पैदा हो गए हैं जो कभी इस पार्टी में, तो कभी इस पार्टी में जाकर के मलाई खाते हैं। ये जो आप जनधन खाते की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दावों, मलाई खाइए, दावों और इरादों के बीच एक बात साफ है कि 2014 में जो बीजेपी की जीत में दलितों का जो वोट बैंक था वो लगभग 23% के आसपास था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा खिसक जा चुका है, लेकिन उसको एक बार फिर से अपने पाले में लाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। क्या कुछ कोशिशें कर रही है, मेहमान हमारे साथ बने हुए, बड़ी बहस जारी है, पूछेंगे आए हुए मेहमानों से इस छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 3-4 सालों से बीजेपी जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तमाम सारी कोशिशें करती रही है, चाहे वो जाटव नेताओं को अपने पाले में करना हो या फिर जाटवों के घर बीजेपी के बड़े नेताओं का खाना खाना रहा हो। मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ रजा रिजवी साहब के पास। रिजवी साहब, जो पिछले अगर बात करें तो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस तरीके के जातिगत सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं, लगातार उसमें घोषणाएं भी की जा रही, इससे पहले चाहे, लेकिन जब सरकार की तरफ से जब बात की जाती तब ये जवाब आता है कि ये सामाजिक समरसता का नाम दिया जाता है, क्या यही है सामाजिक समरसता सर? देखिए ऐसा है कि जाहिर सी बात है कोर्ट के जो आदेश हैं उस आदेश के तहत जी बचने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना समय समय पर दिमाग लगा करके अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करती हैं, और वो वोट बैंक साधने के लिए वो अपना नाम देती है सामाजिक संरचना, सामाजिक समरसता, ये सब बढ़िया अच्छे अच्छे नाम दे करके लोगों को बुलाया जाता है और बुला करके अपने उद्देश्य को बताया जाता है। जाहिर सी बात है कि जितनी भी पार्टियां हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के लिए पहले से वो तैयारी कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज DSP और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से वोटर को साधने की ज़रूरत है, ये बहुत पीछे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो अपना जो मिशन है हमें लगता है उसमें बहुत तेज आगे जा रही है, तो पार्टियों को भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है सरकार पूरी तरीके से, और पार्टियों को भी खड़े होकर के आना चाहिए, उसको भी अपना वोट साधना चाहिए, अपने वोट के लिए बात करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस रेस में सबसे आगे है जी।
भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, और अगर बात करें संघ की तो मोहन भागवत साहब ने अशोक जी से एक सवाल कि सामाजिक समरसता का नारा दिया गया था संघ की तरफ से, लेकिन पिछले जो तमाम सारे मुद्दे ऐसे आए हैं तो सवाल विपक्ष भी यही पूछ रहा है, क्या यही सब कुछ सामाजिक समरसता है, इसी का नाम सामाजिक समरसता है? नहीं, कौन से मुद्दे आए हैं जी? राम का विषय या एसटी एसटी एक्ट का विषय? नहीं नहीं, इससे पहले भी चाहे वो दलितों को लेकर के अत्याचार की बात करें या जो दलितों के मामले सामने आए, तमाम सारे मुद्दे लेकर के आए जिसको समाज को जोड़ने की बात की। संघ ने हमेशा सामाजिक समरसता का परिचय परिचय ही नहीं, बिल्कुल हमेशा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और जो भी हमारे अनुसांगिक संगठन है, सिर्फ भाजपा ही नहीं और भी इस चीज को अपनाते हैं और वर्ग समाज के सभी वर्गों में जाते हैं, समाज के सभी वर्गों में उनकी अभिरुचि के अनुसार कार्य करते हैं। इतने सारे अनुसांगिक संगठन है, जिसको कृषि पे कार्य करना है लोक भारती है, समाज सेवा का काम करना है, दलित बस्तियों में काम करना है सेवा भारती है, ट्राइबल्स के बीच में काम करना है सेवा भारती है, ऐसे प्रकृति भारती, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं हमारी जो धर्म जागरण का कार्य है वो करती हैं। किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है लगभग हमने, जो है और भी नया क्षेत्र जो आ रहा है, जिस डेप्थ तक जिस गहराई तक हम जा सकते हैं वहां तक कार्य कर रहे हैं जी। रवि जी, सामाजिक समरसता की बात संघ भी कर रहा है, लेकिन संघ जिस सामाजिक समरसता की बात कर रहा है वो नजर नहीं आ रही सरकार में कहीं। नहीं नहीं, वो विचारधारा में अभी नहीं है। जिस सामाजिक समरसता की बात करते हैं बंच ऑफ थॉट्स में हेडगेवार साहब ने सारी थ्योरी दे दी है और वो मैं पूरी जानता हूँ क्या है, लेकिन मैं थोड़ा पहले से शुरू करना चाहता हूँ। अशोक सिंह जी ने एक जो बात कही थी कि पिछले 800 साल से जातियाँ हैं, अरे साहब आप कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं आपको उदाहरण दे दूँ, गुप्त काल में चांडालों की क्या दशा थी कि वो आगे मटकी लटका करके चलते थे, पीछे झाड़ू। हर्षवर्धन के समय पर होयेनसांग का यात्रा वृतांत है कि वहां पर जातियों का क्या डिस्क्रिमिनेशन था, उन शूद्रों के साथ क्या होता था। ये 800 साल का नहीं है, आप समझते हैं बहुत आसानी से दलित बना मुसलमान कर देंगे कि जब से इस देश में इस्लाम की हुकूमत हुई है तब से जातियां हैं। इसको कोई अब भूलेगा नहीं कि आप कहां कहां कर रहे थे और वहां से लेकर के अब तक आप वही करते आ रहे हैं। इनके सामाजिक समरसता में वर्ण जाति बनी रहेगी। इस देश को अगर आपको वास्तव में सामाजिक रूप से समरस करना है तो जातियों को मिटाना होगा, लेकिन नहीं साहब, जातियां तो आपकी बनी रहेंगी और जातियां बनी रहेंगी तो भेदभाव बना रहेगा। अरे आप रहने देंगे तब ना, नहीं हमारी आप जाति का चर्चा ही नहीं होती। अशोक जी सुन ली, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, 1952 के पहले इलेक्शन में तीन हिंदूवादी पार्टियां थी, रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा और जनसंघ। जनसंघ को छोड़कर के दो दो जो पार्टियां थी वो दिल्ली में संविधान सभा का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि इस देश में मनुस्मृति है, संविधान की क्या जरूरत है। भाजपा का एक सांसद कर्नाटक में बैठ करके संविधान का विरोध करता है, अभी संविधान को जलाया जाता है। आप दरअसल संविधान को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि संविधान देश संविधान से चलता है, देश गणतंत्र से चलता है। मैं यहाँ पर जातिगत समीकरणों की जो बात आई है, देखिए मैं चाहता हूँ कि जो डिबेट है किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, कुछ हल निकल करके आए, ना कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच। मैं रजा रिजवी सर जल्दी सर आपके पास आता हूँ, क्योंकि जातिगत समीकरणों को लेकर के बात करी तो कोर्ट ने एक बार टिप्पणी भी की थी, आदेश भी दिया था कि जातियों का एक डाटाबेस तैयार किया जाए। इतनी सरकारें आई लेकिन कोई भी डाटाबेस अभी तक सर तैयार नहीं कर पाई। अगर डाटाबेस तैयार हो जाए तो आरक्षण को लेकर के सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी सर। ये सेंसेस में ये बात जनगणना में कई लोगों ने उठाया था कि जो जनगणना पूरे देश की हो उसमें सभी जातियों का आंकड़ा बहुत सही सही आ जाए, कि जिससे देश में राजनीतिक लोगों को काम करने में जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो अपने दायित्व का ठीक तरीके से निर्वहन कर सकें, उनको पता चल सके कि देश में कितनी जातियां हैं। आप देखिए जातियों के साथ साथ उपजातियां भी जुड़ी पड़ी हैं। अब जैसे इस्लाम में 73 फिरके हैं, अब मुसलमान खाली एक नहीं है, बहुत बटे हुए हैं मुसलमान, 73 फिरका है मुसलमान का। उसमें हम लोग का कुरान शरीफ में अगर जाइए तो उसमें हिसाब 73 फिरके में खाली एक ही फिरका जो है जन्नत में जाएगा, ये सब मुसलमान जानता है, लेकिन है 73 फिरके। तो इस तरीके से जातियों में उप जातियाँ हैं, तो उनको साधना, उनको बना के रखना, ये राजनीतिक पार्टियों का बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन फिर भी देखिए, जब राजनाथ सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो आप देखिए पांच कालिदास पे रोज कुछ ना कुछ उपजातियों की जो है वो सम्मेलन होता था उसके अंदर, और उपजातियों को सहजते थे और बना करके उपजातियों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो अपनी बात भी कहते थे एज ए चीफ मिनिस्टर, वो पांच कालिदास में।
और महीनों ये सम्मेलन उनका चला, तो ये उपजातियों और वही परंपरा चलती चली आ रही जो ये दलितों का जो सम्मेलन की जो आगाज हुआ। रामचंद्र जी आप बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल है क्योंकि जो जातियां हैं और जाति के अंदर उपजातियां हैं इनके लिए एक डेटाबेस तैयार करें, सरकार इसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है? हालांकि लगातार जो योजनाएं सरकार शुरू कर रही है फिर भी लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक डेटाबेस अगर तैयार कर लिया जाए तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। सर हम उस पर काम कर रहे हैं जी, और समय समय पर मैंने अभी अपने मित्र कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो ये जातीय प्रथा है हमारे आरएसएस ने इस प्रथा को समाप्त किया। हम कभी संघ के लोगों को बीच में बैठते हैं तो कोई नाम के आगे मैं कनौजिया नहीं लगाता हूँ, रामचंद्र जी, सुरेश जी, दिनेश जी, नाम हम नाम के आगे जाति नहीं लगाते। ये पहली संस्था ऐसी है, पहला है अनुसंगिक हमारा संगठन है जो जाति नाम के आगे जाति नहीं लिखने देता है और ना उसको हम आवाज़ देते हैं। अगर ना हमने आवाज़ दे दी तो मुझे लगता है कि ये हमारे संस्कारों से परे है, ये हमारे संस्कार नहीं जानता है। तो हम लोग तो ये आंकड़े किसके आगे जाति नहीं, श्री राम के आगे जाति नहीं, मोहम्मद जी के मोहम्मद साहब के आगे जाति नहीं, हजरत ईसा के सामने जाति नहीं, हजरत मूसा के सामने जात नहीं, तो जितने पैगंबर महापुरुष आए उन्होंने कभी जात को विचारण किया ही नहीं अपने आगे। मोहम्मद साहब ने कभी नहीं लिखा, कुरैश खानदान में पैदा हुए कभी नहीं मोहम्मद साहब। रामचंद्र जी चौहान नहीं लिखते थे, रामचंद्र जी सिंह नहीं लिखते थे, रामचंद्र लिखते थे, प्रताप के संग सिंह नहीं लगा, सिंह नहीं लगा। लेकिन आज ये व्यवस्था जो आई तो हम लोग इन ऐसी बैठकें करके ऐसे लोगों के साथ बैठते समरसता का भोज करके, देखिए एक और चीज है, एक साथ भोजन करने से आत्मीयता बढ़ती है, जब आत्मीयता बढ़ती है तो प्रेम भी बढ़ता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान भी होता है, तो उसे खुशहाली का रास्ता निकलता है। हम अपना दुख कहते हैं वो बहुत अच्छी बात कही रामचंद्र जी, एक साथ भोजन करने से आत्मीयता बढ़ती है, मेल मिलाप बढ़ता है। रवि जी लेकिन एक साथ सब लोग करे तो ना, लेकिन जो ग्राम स्वराज योजना जो शुरू की गई थी, अनुपमा जायसवाल जी जाती है वहां पर मच्छर काटते हैं और मंत्री जाते हैं उनके लिए रोटियां अलग से की जाती हैं, सवाल तो इस पर उठ रहा है ना, आप लोग खुद मौका दे देते हैं विपक्ष को कहने का। रवि जी बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम ठीक बात कह दी, वही अभी थोड़ी देर पहले रामचंद्र जी कह रहे थे कि हमने गैस वितरित कर दी। स्वाति जी जब जाती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी भोजन करने जाते हैं तो चूल्हे पर खाना बनता है, कहाँ गई थी आपकी गैस? और दूसरी बात वो रामचंद्र जी जो कह रहे हैं कि सहभोज होता है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से होता है, लेकिन सहभोज होने के पहले जो कहानी सुनाई जाती है वो भी तो जरा बता दीजिए कि लखन पासी किसके खिलाफ लड़ा था। आप वहां पर जो नरेशन खड़ा करते हैं कि दलितों को आप मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दें, ये जहर भरा जाता है। अरे रामचंद्र जी मैं जानता हूँ, मुझे आप मत बताइए, मैं जानता हूँ वहाँ पर दलितों के भीतर जहर भरा जाता है। सीधे रास्ते पर आओ, देश को आगे ले चलना है, गरीबों को अभी अभी आपके मोदी जी हिंदुत्व के नेता थे। चलिए रवि जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनके नहीं है, वो बीजेपी के नहीं है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए मैं हिंदू, चलिए यहाँ पर मैं एक बात करूँ, वो उनके उनके किसी के प्रधानमंत्री नहीं है जी। हाँ जी चलिए बात छोटी छोटी जी को खत्म करके हमें देश के लिए सोचना। सर हो गया, पिछले उदाहरणों को अगर जिनको से बात करें ठीक है, छुट्टा घूम रहे दलितों को मार करके छुट्टा घूम रहे प्रधानमंत्री के गुरु जी, उनको पकड़वाइए जरा, उनको पकड़वाइए। हम उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। हाँ मालूम है क्या काम कर रहे हैं, फिलहाल एक अपवाद हो गया, लगातार जारी है, वो अपवाद नहीं है। ये डिबेट को ये इस चीजों को पूरी प्रधानमंत्री के गुरुजी पकड़े जाएंगे कि नहीं, ये बताइए ना पहले, प्रधानमंत्री के गुरुजी पकड़े जाएंगे कि नहीं? आपके ही दलितों को, आपके ही दलित भाइयों को मारा गया। अगर दलितों के हितैषी हो तो बोलो कि भीमा कोरेगांव के जो जो अरे मलाई खाइए रामचंद्र जी, छोड़िए मलाई खाइए दलित होने के नाते, आप कल्याण खाने दीजिए जी, आप मलाई खा रहे हैं। चलिए ठीक है, कौन मलाई खा रहा है, जनता भी तो जनार्दन होती है, जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा देती है। फिलहाल अभी जनता ने पूरा मौका दिया है। चलिए बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल, चूंकि बहुत एक स्वस्थ बहस चल रही है, रामचंद्र जी मैं आपसे एक फाइनल कमेंट के तौर पर जानना चाहूंगा कि जो जातीय सम्मेलन, दलगत सम्मेलन, जातियां उपजातियां इनको लेकर के बुलाया जा रहा है सम्मेलन, सवाल ये है कि अब इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं 2019 के परिदृश्य को देख रहा हूं, तो जो सवर्ण समाज है वो भी तो कहीं ना कहीं नाराज, आप लोग उसकी नाराजगी मोल ले रहे हैं, नहीं लग रहा है? मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं जी, हमारा जो सवर्ण समाज है वो एक बुद्धिजीवी समाज है, बहुत सोच समझ करके, ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर जी,
ये चंद लोग हैं सर, ये मायावती ने भी कहने दीजिए, ये चंद लोग हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए मैं बोल नहीं था बीच में, सुनेंगे, समय बहुत कम है सर, सुनेंगे। देखिए ऐसा है, हमने शुरू में कहा कि कुछ हमारे, अब जैसे मुझे कोई बरगलाना चाहे तो मैं बरगले, मुझको दुनिया भर के आंकड़े जो देते हैं मैं कहता अपने पास रखे रहिए, आंकड़ों पे दुनिया चलने वाले नहीं, जमीन पर रेंग करके काम करेंगे तब इस देश का और समाज का कल्याण होने वाला है। हमारे जो 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 ऊंची जाति के लोग हैं, जो जिसको आप लोग कहते अपने शब्दों में, वो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो इस तरह का कभी नहीं सोचते हैं, और ना हमारे विरोधी हैं, ना विरोधी थे, ना विरोध में रहते हैं। अशोक जी एक फाइनल कमेंट, एक आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। संघ में दीक्षित आदरणीय रामचंद्र जी, आप अभी भी कहते रहेंगे कि ऊंची जाति के लोग, शर्म आनी चाहिए आपको, दलित समाज का बात कर रहे हैं आप और संघ में दीक्षित अपने आप को बता रहे हैं और कह रहे हैं ऊंची जाति के लोग, क्या होता है ऊंची लोग नीची जाति जी। चलिए, ये जो परंपरा पिछली सरकारों ने भी जो इतने 60 सालों से उन्होंने भी ये डाली है जातिगत परंपरा, उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। चलिए मैं अशोक जी से फाइनल कमेंट, सवाल ये कि सवर्णों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं सरकार मोल ले रही है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए। सर देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए, सरकार स्वयं नियंत्रण करे, सरकार स्वयं व्यवस्था करे, उसका जवाब दे। जहां तक संघ की बात है, संघ ने हमेशा संदेश यही दिया, सामाजिक समरसता का, सबको साथ लेके चलो, सबके विकास की बात करो, सबके उत्थान की बात करो। तो शायद पिछला जो इलेक्शन था वो ना तो राम मंदिर पे लड़ा गया था, वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट और विकास के मुद्दे पे लड़ा गया था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है। तो शायद मार्गदर्शन सही था, सरकार अगर उसी रास्ते पे चलेगी तो निश्चित सफलता पाएगी, ये उसका दायित्व। रवि जी, जो 2014 में हालात थे वो 2019 में या स्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी, बदतर हुई है, बदतर जी। एनसीआरबी का डेटा है, दलितों पर 150% अत्याचार बढ़े हैं, और अभी 3 दिन पहले की घटना है, गुजरात के एक मंत्री महोदय कितने करोड़ में फंसे हैं। अरे करप्शन की बात कर, घनघोर करप्शन, लूट लिया इस देश को, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, और यही हालात रहे, रिजर्व बैंक के पास जा रहे हैं सेक्शन 7 का लेकर के कि हमको दे दीजिए। अरे इस पूरे देश के लोगों को आपने सड़क पर ला दिया है, अब आप रिजर्व बैंक के सामने खड़े हो गए, क्या करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, आप तो झोला लेके कभी भी भाग जाएंगे। सरकार तमाम सारी योजनाएं चला रही है, लोगों के हितों की बात कर रही है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसी क्या चीजें हैं या कुछ कमियां हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, या सिर्फ राजनीति विपक्ष का काम है कि करना इसलिए हो रही। सर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया, बस यही आप मान लीजिए, आपके प्रश्न में ये आपका उत्तर है कि ये सब राजनीति है, और दलित इस समय इतना प्रफुल्लित है, इतना प्रसन्न है, इतना खुश है मोदी जी की योजनाओं से, मोदी जी के कार्यों से, और मैं स्वयं उनके द्वारा किए गए कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट हो, और उनके नेतृत्व में देश दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, और हम लोग सब एक साथ होकर के नरेंद्र भाई मोदी के साथ में हैं जी, और उनके उन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक लाभ मिले उसके लिए हम, हमारी सरकार पूरे रूप से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए फाइनल कमेंट में रजा रिजवी साहब से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अगर मैं उनका फाइनल कमेंट नहीं लूंगा तो मुझे लगता है मेरी आज की डिबेट अधूरी रहेगी। सर मेरे 2 सवाल आपसे हैं फाइनल कमेंट के तौर पर, क्या दलित प्रतिनिधि सम्मेलन करने से बात बन जाएगी, और अगर दलित सम्मेलन से बात बन जाएगी तो क्या सवर्णों की नाराजगी सामने आएगी क्या? देखिए आलोक जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और ये बिल्कुल बहुत ही समसामयिक सवाल है, और ये सही है, और भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है इस पर ध्यान देगी कि इस वक्त जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनके दिल में कुछ ना कुछ नाराजगी है। वो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कुछ कहे कि नहीं नहीं कोई नाराजगी नहीं है और सब एक हैं, सब वो है, सब है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत पे जाइए, क्योंकि ये सवाल आपने उठा लिया, अगर कोई पत्रकार, आलोक ऐसा पत्रकार ये सवाल उठाता है तो ये सवाल फिर समाज में कहीं ना कहीं जो है तैर रहा है जी। तो वो तैरते हुए सवाल को बिल्कुल, कोशिश हमारी यही रहती कि उन्हीं समसामयिक सवालों को हम आए हुए मेहमानों से जवाब ले जो जनता के बीच है। सही है, ये सही है कि कुछ न कुछ वो जो है स्वर्ण समाज नाराज है, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, जैसे वो ST ST में दलित को उसने अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है और मोड़ा भी है, जैसा हमारे साथी लोग कह भी रहे थे, तो ऐसा वो भी करेगी कि जो सवर्ण समाज है उसको भी एन पकड़े कहीं ना कहीं वो खुश करेगी। और क्योंकि भाई चुनाव है 2019, हर पार्टी चाहती है कि मैं
अब ये चाहते हैं 2019 में बहुत ज्यादा दूसरे लोकसभा में सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहेगी। रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रामचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में कुल वोट बैंक का लगभग 20% दलितों का वोट बैंक है, ऐसे में किसी भी दल के लिए दलितों के वोट बैंक का अपने पाले में करना बहुत जरूरी हो जाता है, या यूं कहें कि चुनावी मजबूरी भी। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ, लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला यहीं मिलेगा। नमस्कार।